सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो बनाने से पहले जो जनरल चीज है वो है, आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ और आप भी अवेयर रहें कोरोना वायरस के बारे में। जैसे कि आप जान नहीं रहे, सबके कानों में गूंज रही है आवाज़ कोरोना वायरस का, तो इसको सतर्क रहें बस, और अपने घरों में साफ सफाई रखें, मुंह पे मास्क लगा कर रखें, और जो भाई घरों से जाने की आवश्यकता नहीं है घर पर कृपया करके घर में ही रहे, तो इससे अपन बच सकते हैं, बाकी तो आगे देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले अपन खुद की सावधानी बरतें। तो आज के जो मेरा वीडियो है वो है, एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि सर दो रेडियो शो के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक स्केच लिया है, सिंपल स्टेप है, जिसमें डायमीटर 25 है, 20 की डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक की, और 40 का डायमीटर ये है। तो इसके जो यहाँ पे जो आर है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जो स्केच है मेरा ये है आर, ये है आर, और इसको मिटा देता हूं मैं, ये मिटा देता हूं। इसके बाद आर ये है और इसके बाद सीधा है, बड़ा करके दिखा रखा हूं, यहां भी आर मैंने लगा रखी है ये। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के आर है मेरे पास, एक तो ये है और एक ये है। ये है आर फाइव और ये है आर सिक्स। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहला पॉइंट आता है अपन स्टार्ट कहां से करें इस डायमीटर को, यहां से जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, और जहां ये दोनों रेडियस मैच कर रही हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके विषय पर ही, और ये जो यहां तक लगेगा ये भी। तो ये सारे कोऑर्डिनेट निकालने के तरीके मैं आपको बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखें, और जो भाई चैनल पे है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों का अच्छे से अच्छे तरीके से मैथमेटिक भी समझाना है, ताकि अपन प्रोग्राम को अच्छे से मैग्निफाई कर सके, अच्छे से प्रोग्राम और बढ़ सके, इसी का उद्देश्य मेरा है, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है। तो दो रेडियस है मेरी यहाँ पे, ये आर फाइव है और ये आर सिक्स है। ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे बनाना है, कैसे कोऑर्डिनेट निकालना है, प्रोग्राम कैसे बनाए, उसी के विषय पे है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, पूरा जरूर देखना वीडियो को, पूरा देखोगे तभी समझ पाएगा। तो दोस्तों ये के सर्किल है मेरा आर सिक्स है, तो आर सिक्स का सर्किल है मेरे, ये मैंने सर्किल बना लिया। ठीक है, और एक सर्किल जो पांच का आर है, ये सर्किल आर पांच का है, दो सर्किल है, इसका सेंटर मेरा यहां पे है, इसका सेंटर मेरा यहां पे है। ठीक है, तो सेंटर पता लग जाएगा, आर सिक्स है तो सेंटर अपना पता लग जाएगा, क्योंकि यहां से सर्किल का ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरी जो 20 की लेंथ थी, तो आर सिक्स जब मैं लगाऊंगा तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 20 माइनस 6 14 एमएम से स्टार्ट होगी रेडियस। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज है। अब ये जो आर फाइव है, ये मेरा 40 डायमीटर से स्टार्ट हो रहा है, डाया 40। ठीक, जहां ये दोनों सर्किल इंटरसेक्शन करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक सर्किल जो ये पॉइंट कट रहा है दोस्तों, इससे मैं इसका और इसका लाइन मिला देता हूं। ठीक है, ये लाइन मिलाने के बाद अब मैं इसका भी सर्किल का यहां से ये मिला देता हूं, ये वाला, और ये मैंने यहां से मिला दिया। ठीक है,
यहां से तो ये आर स्टार्ट हो रही है, यहां से ये आर स्टार्ट हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं ताकि अपन प्रोग्राम बना सके। इस जो जो इंटरसेक्शन लाइन है इससे मैं सीधा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जहां से सेक्शन कटा है, सॉरी टच हुए दोनों सर्किल, जहां से मर्जिंग हो रही है दोनों सर्किलों की, वहां से रेडियस के उससे। तो अब सीधा फंडा आपको समझ में आ रहा है, तो अपन को ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिएगा, ठीक है। अब ये एंगल अपन को पता चल जाए तो ये तो है 6 mm, यहां से यहां तक 6 mm है, ठीक। तो ये एंगल पता हो जाएगा तो अपना ये आधार और ये लंब दोनों पता कर सकते हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है, ये भी एंगल सेम होगा, दोनों एंगल सेम है, सिर्फ अपने चेंज क्या हो रही है रेडियस। यहां से ये रेडियस 5 की है, आर 5 है, और ये है आर 6, आर 5 आर 6, ठीक है दोस्तों। आर 5 आर 6 के सर्किल है, तो सर्किलों का तो अपन को पता है कि ये जहां से सेंटर पॉइंट से सर्किल को टच करती लाइन वो रेडियस कहलाती है। इसी केस में भी ऐसा ही होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, सर्किल को बड़ा कर लेता हूं ताकि सेंटर पे सही से दिखे, ये वाला। तो ये सर्किल आ गया और ये सर्किल आ गई, तो दोनों का एंगल बराबर होगा, ये भी अल्फा होगा ये भी अल्फा होगा। अब चादे की सहायता से या आपके पास प्रकार कोई चीज है कोण नापने की तो ये कोण नाप सकते हैं। और ये नापने का अगर आप मैथमेटिक यूज करोगे तो बहुत सारी इक्वेशन बनेगी, लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकाल के ये एंगल निकलेंगे। जो लाइन की इक्वेशन बहुत लंबी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab या और भी, उसके लाइन की इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये सर्किल का समीकरण है, 2gx प्लस 2y प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन से फिर लाइन की इक्वेशन बढ़ती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। तो आप इतने झमेले में मत पढ़ो, इतने झमेले में पढ़ोगे तो फिर आपका बहुत सारा समय व्यस्त हो जाएगा। तो आप सर्किल को ड्रा करो, सर्किल को ड्रा करो पेपर के ऊपर, फिर आप ये एंगल मेजर कर लो। मैं भी ऐसे ही करता हूं और मेजर करके जो मेरा एंगल आता है वो आता है 18.5 बराबर 18.55 डिग्री, 18.55 डिग्री आ गया। तो मैं ये आधार निकाल सकता हूं, लंबे निकाल सकता हूं। तो ये जो आधार आएगा सर्किल वन का, आधार कोस से निकालेगा अपन, कोस टेन कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो अपन को ए चाहिए के कोस 18.55, ठीक है दोस्तों। इसका मान आएगा 18.55 का के साथ 5.69 आ गई। अब इसके साथ ही लंब चाहिए, ये लंब आ जाएगा। जब मेरा ये आ गया इसका मतलब मेरा एक्स की वैल्यू आ गई, और ये लंब आ जाएगा तो ये मेरा जेड की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये जेड की वैल्यू आ गई ए, यहां से यहां तक। और लंब निकालने के लिए मैं साइन का यूज करूंगा, एल बराबर के साइन 18.15 डिग्री, सॉरी 55। तो 18.55 का आप मान कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो के का मान अपन को पता ही है 6, और इससे मल्टीप्लाई करके ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 4.09, साइन 18.55 का 4.09, ठीक है, सॉरी
ये पूरी वैल्यू आएगी इसकी 4.09, लंब की वैल्यू आ गई, आधार की वैल्यू आ गई। तो अपन का जो अब चलना है प्रोग्राम के अनुसार, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, यहां से मैं G01 से स्टार्ट किया, G01 X25 Z0, फिर G01 Z-14 F0.25, ओके, फिर G02 X, X की वैल्यू कहां से निकलेगी दोस्तों, इसको 4.02 है, इसको 25 में ऐड कर देंगे X की वैल्यू के लिए, X बराबर 55 प्लस 2 इंटू 4.09, तो ये बन जाएगा 33.18, ठीक है। तो X 33.18 और Z माइनस कितना बनेगा, 14 प्लस 5.69, तो Z माइनस हो जाएगा 19.69 और R6, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गई। तो ये मेरा तीसरी लाइन आ जाएगी, फिर दूसरी लाइन है मेरा दोस्तों, ये मिटा देता हूं, दूसरी लाइन है मेरा, इसके लिए ये हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए कि मेरे को जेड के लिए, यहां से यहां तक चाहिए जेड के लिए, तो इसका आधार हो जाएगा ए चाहिएगा। तो ए के लिए भी मैंने इक्वेशन बनाई है, ए इक्वल टू इस केस में ए बराबर के कोश 18.55, ठीक है, तो के का मान तो 5 आ जाएगा और इसकी कोश 18.55 से मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर की सहायता से 4.74 आती है, पूरा का पूरा 4.74, ठीक है। पूरा समीकरण नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा बढ़ जाता है, इसलिए आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। उसके बाद G03 X 40 तक जाएगा मेरा और Z माइनस 19.69 प्लस 4.74, तो दोनों मिला के हो जाएगी 24.44, ठीक है, और R5, ओके। फिर इसके बाद अगर सीधा चलना चाहे तो सीधा भी चल सकते हैं, G01 Z माइनस 40 का टोटल पीते तो 40 का चल सकते हैं F0.2, ठीक है दोस्तों। एक लाइन, दो लाइन, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये लाइन दोस्तों प्रोग्राम के लिए आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया कि 2 सर्किलों का जब रेडियस चल लगता है टेंजेंट के रूप में, मर्जिंग के रूप में, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, उसी विषय विषय पर है वीडियो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें या कॉल कर सकते हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपको जवाब देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।